नमस्कार, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज नेशन। हिंदुस्तान में, खासकर उत्तर प्रदेश में, योगी राज में गाय काटना, गोवंश की हत्या करना बहुत बड़ा अपराध है और योगी सरकार इस पर बहुत गंभीर है, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में गाय कट रही हैं और धड़ल्ले से कट रही हैं और गाय माता की का दावत भी उड़ाई जा रही है। जी हां साहब, आज हम बताने जा रहे हैं आपको एक ऐसी खबर से देख कर आप हैरान हो जाएंगे कि खुल्लम खुल्ला शादियों में, उलेमा की दावत में ज़बरदस्त तरीके से गाय खाई जा रही है। लेकिन ये योगी राज है, यहाँ पर चोरी छिपे आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन खुल्लम खुल्ला करेंगे तो योगी पुलिस छोड़ेगी नहीं। और आज हम आपको एक ऐसी ही शादी दिखाने जा रहे हैं जिस शादी में गाय काटी जा रही थी, गाय का मांस खाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन उससे पहले पुलिस ने एक्शन ले लिया और दूल्हा दूल्हे के साथ जो कुछ हुआ मैं वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। आपसे अनुरोध करता हूँ कि पूरी वीडियो जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के रामपुर में यासीन नाम का एक शख्स की आज बारात जानी थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि दावत ए वलीमा के लिए कल रात घर में गाय काटी जा रही थी। इसके बाद पुलिस ने छापा मारकर दूल्हे यासीन समेत 6 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। निकाह कैंसिल हो गया क्योंकि दूल्हा घोड़ी पर बैठने से पहले सलाखों के पीछे चला गया। जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि यासीन नाम का शख्स की बारात जानी है और दावत वलीमा के लिए गाय काटी जा रही है। पुलिस ने सूचना को गंभीरता से लेते हुए यासीन के घर छापा मार दिया। मौके से दूल्हे यासीन अब्दुल सलाम, बाबू हाजी, मोहम्मद रफ़ी भूरा और मोहम्मद इस्लाम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। ये पूरा मामला थाना टांडा क्षेत्र के लालपुर कला गांव का है। पकड़े गए आरोपियों में से सभी एक ही परिवार के लोग हैं। पुलिस ने मौके से 1 क्विंटल गौमांस और काटने के उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक बुधवार को होने वाले दावत ए वलीमा के लिए गोकसी की जा रही थी। पुलिस ने सभी के खिलाफ गोकसी की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने तो जेल भेज दिया है क्योंकि सूचना मिली थी उसे, लेकिन कई ऐसी दावतें वलीमा होंगी जिसमें धड़ल्ले से गाय काटी जा रही होंगी और खिलाया जा रहा होगा और दावतें उड़ाई जा रही होंगी, जिसकी सूचना ना पुलिस को मिलती है ना प्रशासन को मिलती है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जो गाय माता, जिनको हम माता कहते हैं, जिनको हम भगवान का दर्जा देते हैं, उनकी हत्या करके उनका मांस खाया जाता है। दावत के लिए कोई और भी चीज़ें हो सकती हैं, कोई और भी चीज़ें खा सकते हैं। आखिर जिनको हिंदू अपना आराध्य मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, अपनी देवी मानते हैं, उनको ही काट कर खाने का क्या मतलब है? अब अगर जेल जाएंगे तो कहेंगे कि योगी सरकार ने उनके साथ गलत किया। भाई, आपने कानून तोड़ा है, कानून तोड़ोगे तो उसकी सज़ा तो मिलेगी ही, फिर चाहे आप दूल्हे हों या दूल्हा बनने जा रहे हों या बारात में जा रहे हों या कहीं और जा रहे हों, अगर आपने ऐसा काम किया है और जिम्मेदार हैं आप, तो उसकी सज़ा तो आपको मिलेगी ही। और सरकार ने या कानून ने सज़ा सुना दी है, सारे बारातियों में से कुछ लोगों को जेल भेज दिया है, जिनमें से यासीन नाम का शख्स जो दूल्हा था उसको भी जेल भेज दिया है, अबू सलाम, अबू हाजिब जो उनके परिवार के लोग थे उनको भी जेल भेज दिया है। दोनों पक्ष के लोग, मतलब लड़के के पक्ष के लोगों को जेल भेज दिया गया है। शादियां रुक गई हैं, बारात कैंसिल हो गई है, निकाह कैंसिल हो गया है, इसका जिम्मेदार किसको कहेंगे हम? क्या इसका जिम्मेदार योगी सरकार है या योगी पुलिस है? इसका जिम्मेदार तो वही हैं जिन्होंने इतना बड़ा अपराध किया है। हम चाहते हैं आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, वीडियो शेयर करें, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद,
रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।